Dear students, good morning everybody. Welcome to online classes as SBPS. Topic of discussion for the human digestive system. Subject science, class 7. So, we discussion for this part of the human digestive system. That is the human digestive system is the different organs are the present for in this digestive system. So, first is the buccal cavity, second is the esophagus, next is the stomach, and next is the small intestine, and next is the long intestine, or next is the rectum, and next is the anus. So we discussion for the mouth and buccal cavity in this part of the digestive system is the first part of this part is the mouth and buccal cavity and for the ingestion. सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है इंजेशन इंजेशन की प्रोसेस है जो कि फूड है फूड मटेरियल को हम इंजेस्ट करते हैं या लेते हैं बक्कल कैविटी तो बक्कल कैविटी के द्वारा हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं इसी को हम इंजेशन कहते हैं ठीक और इंजेशन के अंदर का जो बक्कल कैविटी है उसके अंदर टीथ प्रेजेंट है टंग प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है सो वी डिस्कशन दिस पार्ट ऑफ द चीविंग फॉर द टीथ इज द चीविंग फॉर द फूड बाय टीथ सो दांतों के द्वारा हम फूड मटेरियल को क्या करते हैं चबाते हैं या चीविंग करते हैं उसके द्वारा भोजन के अंदर का क्या चीज है सलाइवरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं और जब सलाइवरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं तो थ्री पेयर आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड दैट इज द थ्री पेयर आर प्रेजेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड So, three pair are present for salivary gland, that is the part of the, so, लगभग एक adult human, लगभग 1.5 kg salivary gland का secretion करता है, यानि salivary gland से सिक्रीशन किसका होता है सलाइवा का तो सिक्रीट बाई सलाइवा अबाउट 1.50 केजी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो अबाउट यानी 1.5 केजी 1.5 केजी सलाइवा का सिक्रीशन करता है और जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का या स्टार्च को डाइजेस्ट करने का मुख्यता भूमिका अदा करता है और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर का टाइलिन एंजाइम फाइंडिंग क्या कहते हैं सलाइवा के अंदर टाइलिन एंड एंजाइम्स फाउंडिंग सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम फाउंडिंग सलाइवरी के अंदर सलाइवा के अंतर्गत टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो मुख्यतः स्टार्च को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है ठीक तो सलाइवरी ग्लैंड जो है उसके बाद में बात आती है टंग ठीक मुख के अंदर एक टंग प्रेजेंट रहती है जो भोजन को पलटने या पलटने की मुख्य भूमिका करती है यानी जीव जिसको कहते हैं जीवा कहते हैं जीवा क्या कार्य करती है भोजन को उलटने पलटने का कार्य करती है और उलटी पलटने के बाद में दांत जो टीथ है वो भोजन को पीसने का कार्य तो दांत जो ह्यूमन के अंतर्गत जो मनुष्य के दांत हैं वो मुख्यतः कितने जो टीथ प्रेजेंट हैं वो चार प्रकार के टीथ प्रेजेंट रहते हैं फर्स्ट इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर
एंड मोलर। सो ह्यूमन टीथ आर प्रेजेंट इन फोर टाइप। फर्स्ट इन सीजर, सीजर का जो कार है भोजन को काटने का, ठीक। कैनाइन का जो कार है भोजन को फाड़ने का, और जो प्रीमोलर का फंक्शन है ये भोजन को कुचलने का है, और मोलर का जो फंक्शन है ये मुख्यतः भोजन को पीसने का है। तो इंसीजर का जो मेन फंक्शन है वो भोजन को काटने का है। अगले दांतों से हम काटते हैं, इनकी संख्या दो जोड़ी ऊपर और दो जोड़ी नीचे होती है, दो ऊपर और दो जोड़ी नीचे, पेयर टू पेयर अपर हाफ एंड टू पेयर लोअर। एंड कैनाइन वन पेयर अपर एंड वन पेयर लोअर। प्रीमोलर टू पेयर अपर और टू पेयर लोअर, और मोलर थ्री पेयर अपर और थ्री पेयर लोअर। तो मनुष्य के जो टीथ हैं दो जोड़ी, अगर इंसीजर की बात करते हैं, इंसीजर जो टू पेयर अपर टू पेयर लोअर, वन कैनाइन वन पेयर अपर वन पेयर लोअर, एंड प्रीमोलर वन पेयर अपर टू पेयर अपर जा एंड टू पेयर लोअर जा, मोलर थ्री पेयर अपर जा और थ्री पेयर लोअर जा। सो डिफरेंट टाइप के टीथ आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। ठीक डियर स्टूडेंट, स्टडी नाउ, थैंक्स वाचिंग फॉर यू।